नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। दिन भर अलग अलग किस्म के लोगों से मिलते हैं, चुनाव, समाज, लोकतंत्र वगैरह वगैरह पे बात करते हैं। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार में है। कानपुर से जब आप आएंगे, जमुना जी पार करेंगे, तो कालपी तहसील शुरू हो जाती है। और वो कालपी तहसील कालपी विधानसभा का, और कालपी विधानसभा उरई जालौन गरौठा भोगनीपुर लोकसभा, ये बड़ी लंबी होगी लोकसभा। बेसिकली लोकसभा उरई जालौन है, उसमें गरौठा और भोगनीपुर की सीटें जुड़ गई हैं, इसलिए उसको इस तरह से बोला जाता है। कालपी कई चीज़ों के लिए मशहूर है। जब हम लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव में आए थे, तब आपको विस्तार से हाथ कागज़ उद्योग के बारे में दिखाया था। हैंडमेड पेपर कैसे लुगदी से और बाकी जो होजरी की गंदगी होती है, उन सबसे शानदार कागज़ तैयार होता है। इस बार हम आपको कालपी की एक दूसरी नायाब चीज़ दिखा रहे हैं, जो आपको दिखा क्या रहे हैं, ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रही है, ये लंका मीनार है। जैनी जी, ज़रा क्लोजअप मारिए, क्या आपको रावण कक्का के 10 सर दिख रहे हैं? दिख गए। अब इस लंका मीनार की क्या कहानी है? ये लंका मीनार जिन्होंने बनवाई, उनके परिवार के चौथी पीढ़ी के व्यक्ति हमारे साथ हैं। उनसे पूरी कहानी, पूरी मान्यताएं सब जान लेंगे। आप तक क्या करते हो, जरा पेन वेन शॉट मारते हो, मार दो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विवेक निगम। डॉक्टर विवेक निगम, क्या करते हैं डॉक्टर साहब? मैं किस पे क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं डिग्री कॉलेज ओएस हूँ जी। तो किसने बनवाई ये लंका मीनार? ये हमारे पांचवें पीढ़ी के बाबा, उन्होंने बनवाई थी। मैं मथुरा प्रसाद निगम वकील, बुंदेलखंड के फर्स्ट लायर। बुंदेलखंड के पहले लॉयर जी? यस, पहले लायर थे। अच्छा, कहाँ की थी उन्होंने वकालत पढ़ाई? वकालत उन्होंने झांसी से की थी। झांसी से? नहीं, सॉरी, आगरा से। आगरा जी, आगरा से। तो क्या थी वजह ये बनवाने की लंका मीनार? उन्होंने सांप आंप भी बने हुए हैं इतने सारे। जरा पास जाइए, दिखाइए भैया जी। ये उनका एक था, जब वो पैदा हुए थे तो उनको ऊपर नाग और नागिन ने छाया कर ली थी। मतलब उनका एक दैवी गुण था उनके अंदर जो उनके ऊपर नाग नागिन ने छाया कर ली थी। उसके बाद जो जब बड़े हुए, नहीं समझ में आया, नाग नागिन ने छाया कर ली थी मतलब? जब वो पैदा हुए थे तो छाया कर ली थी उनके ऊपर, बैठे रहे बच्चे के ऊपर, बैठे बच्चे के बाबा के ऊपर। घर वालों ने भगाया नहीं ये छोटे बच्चे के ऊपर? ना ना ना, यही तो था, यही तो उनका करिश्मा था। अच्छा, उसके बाद वो गायब हो गए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने खुदाई की, तो पैतृक रूप में काफ़ी सरफी सोना निकला था। कहाँ खुदाई की? वहाँ पर बना, अभी दिखाते हैं आपको। अच्छा, चलिए फिर चलते हैं। हाँ। ये मंदिर का नहीं लेंगे? मंदिर का ले लेंगे, वो सब लगातार चलता रहेगा। अच्छा। तो आप पहले वो खासियत बता दीजिए जो आप बोल रहे थे कि क्या हीरा है और सीधे यहाँ चमक पड़ती है, क्या है ये? करीब 125 फुट ऊंचा रावण बना हुआ है, इसके आंखों में डायमंड लगा हुआ है। जो रावण शंकर जी का भक्त था, आज भी उसकी जो ऊपर डायमंड लगा हुआ, उसकी लाइट पूर्णमासी को सीधे शंकर भगवान पे लाइट पड़ती है। आप ये कह रहे हैं मीनार में जो रावण का पुतला बना है, उसके जो सर बने हैं उसमें हीरा लगा है। हीरे लगे और पूर्णिमा को चांद की रोशनी वहाँ पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ शंकर जी शिवलिंग पे पड़ती है। जी जी जी। अच्छा, ये आपने देखा है अपनी आंखों से? जी बिल्कुल, पूर्णमासी को आप देखिए 12 बजे आके। हर पूर्णमासी को 12 बजे होता है। और ये सांप भी वही छाया वाले सांप बने हुए हैं? सांप क्योंकि उस समय उनके जो नौकरों ने सांप को मार दिया था, इसके बाद उन्होंने सोने के सांप नाग नागिन बना के यमुना जी विसर्जित किया। उससे बाद में 225 फुट लंबे नाग नागिन बनवाए गए हैं, आज भी विराजमान है। ये हिंदुस्तान में इतने बड़े नाग नागिन अभी नहीं है कहीं। ये क्या मटेरियल यूज़ हुआ है इस मीनार को बनने में? इसमें चूना कौड़ी, केसर, उड़द की दाल और यही सब मिलाया है। चूना कौड़ी, केसर, उड़द की दाल। ये इसके ऊपर जो बुर्ज के ऊपर वाला, वो कब टूटा? इसके ऊपर 1876 में भूकंप आया था, उसके ऊपर छत्र बनी, छत के ऊपर ब्रह्मा जी बने थे, वो छत्र छाया गिर गई, इसलिए वो टपका हुआ, आज भी लटका हुआ। 1836 में? 1936 में, 1936 के भूकंप में वो बुर्ज टूटा, बुर्ज टूटा, उसके छत्र छाया बनी थी जिससे वो सेफ था नीचे। आइए चलिए पहले आपकी मीनार देखते हैं। हाँ बताते जाइए, क्या है इसके ऊपर? इसके ऊपर ब्रह्मा जी की मूर्ति बनी थी। तो लंका मतलब रावण के ऊपर मीनार बनवाने के पीछे क्या मकसद था? क्योंकि वो रावण का अभिनय करते थे, आपके पर बाबा विजयस रावण का अभिनय करते थे उस जमाने में। उस जमाने रावण का अभिनय करते थे, उनकी लंबाई 8.5 फुट थी। 8.5 फुट? यस, आज भी उसके नाम के खूंटे लगे ऊपर, दिखाएंगे आपको। और आप इस मस्जिद की कुछ घसीटी बाई कहानी बता रहे थे, ये मस्जिद दिखाइए जरा। ये मस्जिद घसीटी बाई बनी हुई है, ये घसीटी बाई मस्जिद है। घसीटी बाई वो उसका मंदोदरी का काम करती थी, उनके नाम पर उन्होंने मस्जिद बनवाई थी, आज वो वैसी बनी हुई है।
घसीटी बाई मंदोदरी, मतलब वो एक्ट्रेस थी, मंदोदरी का अभिनय करती थी। अच्छा, और ये क्या बने हुए हैं ऊपर? ये राम रावण की सेना पहले मिला, ऐसा होता जब कोई लड़ाई होती थी उसमें पहले सेना को मिलाप होता तो उसके बाद ये सेना बनाई गई थी, सेना आज भी बनी हुई। अच्छा, मिलाप हो रहा है? जी जी, ये मिलाप मतलब गले वाले मिलते थे फिर तब लड़ते थे, कभी ऐसा नहीं होता डायरेक्ट लड़ाई होती हो, ये तो अब होती है। ये कौन बने हुए हैं ये सब? ये अंगद बैठा हुआ है। अंगद बैठा है, ये कुंभकर्ण लेटा हुआ है। देखो भैया कुंभकर्ण लेटा है, वो लेटा है, ये लेटा है, थोड़ा पेड़े लगे, बताओ अभी तक लेटा हुआ है, हाँ? देख रहे हो जेरी, वो कुंभकर्ण लेटा है, ये मेघनाथ बैठा हुआ है, ये मेघनाथ बैठा है, ये कुंभकर्ण लेटा है, देख रहा है ये लेटा हुआ। ऊपर चढ़ के देख लेंगे जाके। अरे ऊपर चढ़ेंगे तो इनका कैमरा चढ़ जाएगा। अच्छा अब चलिए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। कितनी मंजिल की है ये लंका मीनार? 225 फुट ऊंची है। मंजिल कितनी है? 7 मंजिल की। 7 मंजिल है। कोई बता रहा था कि मान्यता है कि बहन भाई साथ में नहीं जाते हैं। साथ में आदमी तर जाता है, साथ में वो ये भौरी पड़ जाती है, इसलिए भाई बहन ज्यादा नहीं जाते हैं। भौरी पड़ जाती है मतलब? साथ फेरे में आदमी की भौरी। अच्छा, साथ फेरे में ब्याह हो जाता है, जाता है। इसलिए बहन भाई साथ नहीं जाते, सात चक्कर है। क्या बात, सातवे में आदमी लोक में ऊपर पहुंच जाता है, 7 लोक में आदमी तर जाता है, बताते नहीं 7वें लोक में आत्म भगवान मिलेंगे। इसके 2 रीजन है। चलिए, मादक पदार्थों, हाँ, इसके नीचे ये बताइए पाताल लंका जो बंद हो चुकी नीचे, इसके बाद एक गुफा गई है यहाँ से करीब 500 मीटर पे, जिस नीचे गुफा है, गुफा वो बंद क्यों करवा दिया? वो बंद हो गई है, पुरानी हो गई थी, इसको बंद करा दी गई है, सेफ्टी। और एक पाताल लंका इतनी नीचे एक लंका थी, वो बंद है, जितनी ऊपर उतनी नीचे, नीचे एक लंका है, वो क्यों बंद? पाताल लंका है जिसको कहते हैं भाई साहब, मतलब आज से 150-200 साल पहले की ये इंजीनियरिंग है। आइए 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 सर, मादक पदार्थों का सेवन ना करें जेरी जी, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, महिलाओं से छेड़छाड़ ना करें। क्या महिलाओं से छेड़छाड़ होती थी यहाँ पे? ये क्या खेल है, आइए तो आप इसको ये किसने लिखवाया ये लोग आज आते हैं सन्नाटे में, लाला जी बाबा बैठे हैं तो कुछ ना, ये आप अंदर देख लें गुफा, चले जाए बाबा, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जाए। आओ भैया, नहीं वो चाचा अपना अंदर देखिए, ये नीचे का रास्ता है, हाँ, बंद है, आगे थोड़ी दूर जाके बंद हो गई है, ये रामस्वरूप मकान निकली है जहाँ पे हनुमान जी बोलिए बैठे हैं, बंद कर दी गई है, तो प्लाट बना नहीं सकते, राम ने अपना बनवा दिया होगा। ये यहाँ लोग ये क्या लिख जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? अब वो तो आदमी के ऊपर, हिंदुस्तान की फितरत नहीं है। जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी वैद्य जी, वो अपनी यादगार करते हैं कि हम आए कि नहीं आए। अच्छा, राम जी जगन्नाथ लोहार। भाई साहब सब यही दीवार पे ही सब लिख देंगे हैं, फितरत हिंदुस्तान। हाँ, सतवंत सिंह, सतवंत सिंह तो और भी पक्का लिख गए हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है, हाँ? ये सब मूंग और केसर और चूना, हाँ, उससे बनी उड़द, उड़द से बनी हुई है। उसका केसर का भी रीजन आपको बताते हैं, केसर का क्या रीजन है ये दिखाओ जरा इसका, ये हाँ बताइए केसर का रीजन। केसर ये था कि पहले जो व्यापार होते थे नदियों के किनारे होते थे, थोड़ा माइक में बोलिए जी, नहीं नहीं माइक में पकड़ो आप बोलिए, वो नदियों के किनारे होते थे, यहाँ पर सारी केसर आया था, हाँ, हजारों नाव केसर आया था, तो उन्होंने ये केसर जो खाने ज़ाफ़रान वो, हाँ, वो केसर जी, हाँ, तो यहाँ पर लोगों ने कह दिया कि कोई कालपी में केसर लेने वाला नहीं है, तो हमारे बाबा को बात खराब लगी, तो उन्होंने चांदी के सिक्के से तौल के केसर मिलवा के चूना कौड़ी केसर बोले, ऐसे कैसे कह दिया कि पैसा वाला कालपी में आदमी नहीं है, केसर नहीं खरीद पा रहे हैं उनको, उन्होंने उसी पे सिक्के पे तौलवा के चूना कौड़ी केसर की ये मीनार तैयार करवा दी। बोले हम इतना केसर खरीदेंगे कि बिल्कुल हजारों नाव खरीद डाला उन्होंने। अच्छा, यहाँ से भी देखिए जेरी जी मंदिर दिख रहा है, हजारों नाव केसर खरीदा और फिर ये बनी। ये ऊपर के किस चीज के छत्ते बने हुए हैं? ये जीना है। नहीं नहीं, ये तो चिड़ियों ने रख दिया, चिड़ियों के छत्ते हैं जेरी जी, देखिए तो इतनी इतनी भयानक कॉलोनी तो मैंने कहीं नहीं देखी, देख रहे हैं, सो इंस्टाग्राम है भाई साहब, ये तो वो जो साईफाई फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, वैज्ञानिक लोग ऐसे गए गुफाओं में तो नए नए जीव पनप रहे हैं। तो ये अभी हम लोगों ने पहली मंजिल कर ली, हाँ, थूकना मना है, ये हिंदुस्तान में
अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद सब बच्चों के ऐसे टैटू बनवा देना चाहिए, क्योंकि सब थूकते हैं। तो यहाँ शाम आम को तो बंद करना पड़ता होगा, क्योंकि रोशनी तो है नहीं अंदर। नहीं है, हवा रोशनी आपको बराबर मिलेगी ऊपर। हवा रोशनी बराबर मिलेगी, ये देखिए। इसलिए थूकना मना है, क्योंकि लोग थूकना मना है को मैं मना बिगाड़ गए हैं। थूकना है, थकना है, वारी रचनात्मकता, सब पूछ बिल्कुल है, सब लिख लिख के बराबर कर दिया है भैया। यहाँ ना बर्र का छत्ता है, बहुत संभाल के ये। और यहाँ रचनात्मकता देखिए कि नोट थूकना मना है कि ऊपर ही थूका है। अद्भुत है भारत की प्रतिभा है, परंपरा है। ये बड़े स्टाइल से बने, इनके बारे में बताइए जरा नीचे आइए वेग जी। ये एयर के लिए, हवा हा? हवा और पानी के लिए, यहाँ से हवा आपको मिल रही होगी। बहुत बढ़िया हवा मिल रही है, कूलर चलता है ना, कूलर भी फेल होगा। हाँ, तुम्हारे मुंह पे लग रही है हवा, और कैमरे के मुंह पे, कैमरे के मुंह पे भी लग रही है। आ जाओ। तो यहाँ साफ सफाई वगैरह कैसे करवाते हैं, आपका मैनेजमेंट क्या है यहाँ? धन्य हो देश। ये देखो यहाँ और ज्यादा स्लोप हो गया है, तो पानी भी आता है अंदर है? पानी आता है अंदर? नहीं, पानी नहीं आता। जब बौछार नहीं आती अंदर, उस तरीके से बना है, पानी वो नहीं आएगा। अच्छा, देखो यहाँ भी थूका गया है, पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ कोई हमारे लिए लिख गया है आई लव यू। देखो जेरी, हो सकता है तुम्हारे लिए लिख गया हो। रघुनाथ प्रसाद सभापति ग्राम धनपुरा जालौन, मास्टर राम नारायण, मास्टर वृंदावन। बहुत बढ़िया। इंग्लिश, देखो इंग्लिश भी है। अच्छा, ये जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, हैं इन झरोखों की, इनका स्लोप भी बढ़ता जा रहा है। तो आप इसका रख रखाव कैसे करते हैं वेग जी? यहाँ मेंटेनेंस हम लोगों का खेत है, थोड़ा हम लोग अपने रिसोर्स करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से कोई बोला हो कि ये बहुत धरोहर है, तो इसको संरक्षण के लिए सरकार को दे दीजिए? गवर्नमेंट कोई संरक्षण नहीं कर रही है, वो मांग रही सिर्फ हमें दे दीजिए, हम उसको बिजनेस पैदा करेंगे, ऐसा क्यों दे दें? अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि आप दे दीजिए तो हम बिजनेस पैदा करेंगे। हाँ। पर वो आपका परिवार देगा नहीं, आपकी हाँ। मिल्कियत है। हम उसको मेंटेनेंस के लिए करें, आप करिए खूब, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ से पूरा कालपी नजर आता है। हाँ। रुकिए फिर देख लें कालपी। यमुना के किनारे बसा कालपी शहर। लग जाएगी, हमें लग गई, लग जाए। अच्छा, ये बंद भी हो जाती हैं सीढ़ियाँ भाई साहब। यहाँ तो भयानक हवा महल हो रखा है, हैं दिलीप सोनी। ये जंजीर है किस हिसाब से? ये यहाँ पर उनका दरबार लगता था, यहाँ उनका चांदी का सिंहासन लगता था, यहाँ इसका बाबा का, यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ सिंहासन, यहाँ से आगे हाजिर हो जाते थे। विशेष मीटिंग होती थी उनकी यहाँ पर, यहाँ चांदी का ये वनीश भी चांदी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में टावर के ऊपर जैसी मीटिंग होती है। हाँ। चांदी का था उनका, वो नोट टूट गया नहीं, पहले रखा था इसमें बैठते यहाँ पर अपना। ये सामने वो सड़क दिख रही है, कानपुर जा रही है, वो कानपुर हाईवे, उसके पार जमुना जी दिख रही है। हाँ। दिख रही जा रही है, वो जो दूसरे हिस्सा दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, वो यमुना नदी है। ये क्या, जरा इधर आओ जरी, इधर साथ में आओ, जरा आओ भैया। लाइट वाइट बंद कर दो, काहे मार रहे हो आग पे, तुम आगे आओ। वो सामने गुंबद दिख रहा है, वो क्या है? वो सामने गुंबद, अरे ये गुंबद दिख रहा है ना टावर के पीछे, मस्जिद है कोई, मस्जिद वगैरह होगी यहाँ कोई। अच्छा, वो क्या, काशीराम कॉलोनी है? हाँ, पानी टंकी काशीराम, उसके पीछे जंगल, जंगल क्या इलाका है वो? तहसील, तहसील रेलवे लाइन है।
रेलवे स्टेशन। अच्छा, वो रेलवे, रेलवे के पीछे जंगल। अच्छा, और क्या प्रसिद्ध व्यास मंदिर कहाँ पड़ता है? महाभारत की रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास, वो भी कालपी गई थी। प्रतीक्षा जी पीछे आ जाओ, ढड़क जाओगी। लेटा हुआ रावण देखना भैया, लेकिन ना तुमने लेटा नहीं है, कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण है लेटा, रावण तो टंगा हुआ। पूरा शहर दिखता है, शहर नहीं कम से कम 10 किलोमीटर एरिया, 10 किलोमीटर दिखता है। और हर वक्त इसको हाइट की वजह से ऐसी हवा रहती है यहाँ? नहीं नहीं, रात हवा चल रही थी वैसे इतनी रहती। अच्छा, ये किसकी मूर्ति बनी हुई है? आकाशदीप। आकाश, आकाश देवी। इसको भी खराब कर दिया लोगों ने। भीतर ईंट है, उसके ऊपर वो परत है उसकी, है तो इसका क्या क्या? अच्छा ये बताइए, अब इसके रख रखाव के लिए क्या किया जाए? रख रखाव के लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहती तो करे, वरना हम लोगों के पास अब कोई ऐसा साधन नहीं जो इससे हम कर सकें। लेकिन आपकी ये शर्त है कि आप गवर्नमेंट को दोगे? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट से मेंटेनेंस करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका जो कुछ जहाँ तक सुंदरीकरण करें मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो ये कहते हैं, ये कहना है ना कि सरकार कहीं भी पैसा तभी लगाएगी ना जब उसकी मिल्कियत सरकार नहीं, तो मिल्कियत नहीं, हम सरकार भी ये कह रहे हैं आप उसमें लगाइए, मैं कोई आपत्ति नहीं है। आपको अगर बाहरी लोग दिखाना तो आप करिए, मैं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कहा हैंड ओवर करके दे दीजिए, फिर हम उससे बिजनेस के वो हम नहीं करने देंगे। कोई हमारी पैतृक संपत्ति है, कोई ऐसा तो नहीं कोई व्यवस्थी कर लेगी भी ले दो। आपको ये स्टोरी का प्रेस में आता है, ठीक है आप उसको करिए, मेटे में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार उन्होंने लगाया था 10-15 लाख रुपया वो लाइट के लिए, तो वैसी उल्टी सीधी लाइट लगाई उन्होंने, आज तक खत्म हो गई। इसकी सुंदरीकरण के लिए लाइट के लिया था 15 लाख रुपया बोर्ड लगा हुआ बोर्ड। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं नहीं, पर्यटन विभाग तरफ से था, फिर नगर पालिका वो हैंड ओवर करिए, आज तक नगर पालिका ने देखे ही नहीं उसमें क्या करना क्या नहीं करना। बिल्कुल नहीं चलती नगर। तो कोई यहाँ पे आता है घूमने? कितने लोग आते हैं यहाँ पर? कम से कम 250 लोग आते हैं रोज जी। सहारकों में ये भरी रहती, जगह नहीं मिलती यहाँ पर, यहाँ भर जाता है कम से कम 250-300। जब मौसम अच्छा होता है तब। बिल्कुल, अभी आपको मैं ये सहारकों में यहाँ जगह नहीं मिलेगी बैठ। सहारकों मतलब जो शादी ब्याह का मौसम है जी। अच्छा, और कोई खासियत है इसकी? असल अभी इसको 2-3 बार अंडरटेक करने के लिए नेगोशिएशन किया गया है इन लोगों के माध्यम से, तो कुछ कंडीशंस इन लोगों ने ऐसी रखी जिस वजह से ये चीज़ हो नहीं पाई। और हम लोग जो मुहिम चला रहे थे टूरिज्म की, उसमें हम लोगों ने इसको बहुत हाईलाइट किया। बीच में पुरातत्व विभाग वालों ने इसमें पेंट कराने की कोशिश करी, लेकिन इसमें नॉर्मल पेंट नहीं चढ़ता है। ये जो पेंट आपको दिख रहा है ये सब मतलब नेचुरल पेंट, नेचुरल कलर है। तो ये इसमें नॉर्मल जो पेंट आज का के ज़माने वाला पेंट नहीं काम करेगा, आज के ज़माने वाला पेंट। इसमें तो बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, CCTV लगेंगे, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा पूरा, सब पुताई, इतना सब नाम लिख, उतना ऊपर चढ़ के कौन नाम लिख गया? ऊपर तक चढ़ गए जंजीर से, जंजीर पकड़ के ऊपर चढ़ गए। आई लव जीतू। अरे तो जीतू को जमीन से प्यार कर लेते, हवा में टंके क्यों प्यार कर रहे हैं जीतू से जाके? हैं चीता अस्तिमा है, बताओ साहब कितने खपती लोग हैं, कहाँ जाके नाम लिख रहे हैं? हैं आई लव तैयब, समीम एंड जानू अब्दुल्लापुर। कई नाम लिखे बेचारे बहुत ज्यादा वाले हैं, तो लिख डाला ऊपर जाके, उससे कोई फर्क अच्छा वो समीम को, जानू को और मुझे भी प्यार करते हैं क्या बात है। अच्छा तो एक आप ये कह रहे हैं कि सरकार इसका रखरखाव करे, लेकिन हम इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। कई लोगों ने बताया कि यहाँ काफ़ी अवैध कब्जा भी हो गया, ऐसा भी है क्या? हाँ कुछ है अवैध, अब वो नगर पालिका देखे जहाँ अवैध है नगर पालिका। हम लोगों ने उस पर आपत्ति नहीं करी? हम लोग आपत्ति क्या करें जब नगर पालिका कुछ नहीं करती आपत्ति। और यहाँ पे कुछ उत्सव महोत्सव, जैसे आपने कहा कि आपके बाबा लंकापति बनते थे, यहाँ पे रामलीला होती है जो आज भी चल रही 150 वर्ष पुरानी। ये कंपाउंड नीचे बना हुआ है, वो अखाड़ा बना हुआ है, स्टेज बना जी, हाँ रामलीला होती है, वो अखाड़ा होता है। नाग पंचमी के दिन बाबा का वहाँ जन्म भी हुआ था। यहाँ काफ़ी बड़ा दंगल लगता है जो हर साल हम लोग लगवाते हैं, सिर्फ अपने शोर से ही लगवाते हैं, अपने शोर से लगवाते हैं। ये पीछे क्या है आप बता रहे थे ना, एक और मंदिर बना हुआ था बैक साइड में था, कहाँ था जिसमें आप बोल रहे थे कि लंका बाजार है? यहाँ से दिखेगा है, हटिए भाई आप लोग, ये बना हुआ। अच्छा ये सामने भी तो एक सुंदर सी इमारत है, भैंस बंधी उसमें? हाँ अरे वो तो किराएदार रख दी, पहले यहाँ बाजार लगता था। तो आपने बंद क्यों करवा दिया बाजार? बाजार बंद हो गया वो बहुत पहले से ही,
अब बाजार मार्केट में बन गया। अरे तो इतनी सुंदर बिल्डिंग है, इसमें भैंस बंधी हुई है। तो ये किराएदार आ गए हैं सब, उन्होंने जो बच गए किराएदार बसे हैं। और ये सब देखो छतों पे कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन बनी है। हाँ, मूर्तियाँ बनी है सब पूरी। और ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये लंका बाजार। अच्छा, मोहल्ले का ही नाम लंका बाजार। लंका बाजार। और पीछे ये यमुना वाला नया पुल बन रहा है जो? हाँ, वो नया ब्रिज बन रहा है पुराने के बगल में, रेलवे रेलवे दो डबल लाइन का। और उसके पार जेरी जी बिहड़ है, डकैत वहीं पाए जाते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, वो आगे थे, वो वाले पुल के आगे, उस वाले पुल के आगे थे, फूलन देवी का गाँव पड़ता है। चलिए विवेक जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कालपी की एक धरोहर है, धरोहर किस हालत में है और किस लीगल टसल में फंसी हुई है, इस पे आपने, जिनके पास इसकी मिल्कियत है उनका पक्ष जान लिया। आई एम श्योर सरकार का भी अपना पक्ष होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे शहरों की इकोनॉमी बढ़े, बेहतर हो, क्योंकि हम जब भी शहरों में जाते हैं तो सबकी एक कॉमन समस्या होती है साहब, रोज़गार। तो हर जगह तो कितनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, खेती में कितना होगा, तो जितने भी ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प हैं जिनके ज़रिए रोज़गार पैदा हो सकता है, उन पर सरकारों को काम करना चाहिए और लोगों को भी। क्योंकि अगर ये अच्छे से लंका मीनार चलने लगे, और फ़र्ज़ करिए कि जो लोग कानपुर से झांसी जा रहे हैं, ऐसी अगर 100 गाड़ियां भी इस तरफ मुड़ने लगें, तो यहाँ रेस्टोरेंट चलने लगेंगे, एक दो गाइड की नौकरी होने लगेगी, और 150 लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो जाएगा। ऐसा आपको लगता है, निगम साहब? बिल्कुल 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 लगता है। और इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, ये देख के बड़ी तकलीफ़ भी हुई, पर ऐसा ऐसा आपकी नौकरी ऐसी हो गई कि बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी तकलीफ़ें बही खाते में दर्ज किए। आगे बढ़े चलते हैं, हमारा अगला पड़ाव जमुना जी के किनारे, जमुना नदी किनारे बसा एक गांव है जिसका नाम है गुढ़ा का पुरवा, और रेगुलर गांव है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और नदी के बेटे वहाँ बहुत रहते हैं, मल्लाह केवट वो जो कम्युनिटी है उसके लोग, और उस गाँव में फूलन देवी पैदा हुई थी, इसलिए उस गाँव को लोग काफ़ी याद रखते हैं और उसका जिक्र करते हैं। आप देख रहे हैं ललन टॉप। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी ललन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।